दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज की पहली और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल करके आई है वो है वेनेजुएला कंट्री से। जी हाँ, वेनेजुएला गवर्नमेंट एक्सेप्ट बिटकॉइन टू पे फॉर न्यू पासपोर्ट। जी हाँ, जितने भी वेनेजुएला कंट्री के सिटीजन्स हैं वो लोग जो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं वो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट दे सकते हैं। आज तक आप लोगों ने देखा होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी बैंक्स में, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप फ्लाइट के टिकट, बस के टिकट, ट्रेन के टिकट भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अब आप क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रीज़न ये है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। ये एक नई इंडस्ट्री है जो कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर सकती है, और ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ भी कर चुकी है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने की बात चल रही है। तो ये थी पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वेनेजुएला कंट्री से। अब यहाँ पर जो दूसरी न्यूज़ निकल करके आई है वो है ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। जी हाँ, बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल करके आई है, और ये शायद पहला ऐसा कंट्री होने वाला है जहाँ पर ये न्यूज़ निकल करके आई है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी यूज़र्स हैं वो लोग अब क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन को लेन देन में यूज कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। 3500 प्लस पोस्ट ऑफिस में आप लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, आप अपना स्टेक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बिटकॉइन के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। आप लोग सोचिए, इंडिया में भी पोस्ट ऑफिस है, हमारे पिताजी मम्मी पापा लोग बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस में हम लोग पैसे डिपॉजिट करते थे। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा किए हो, बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता था। हमारे मम्मी पापा लोग बताते रहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कुछ भी नहीं मिलता था, बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन एक ये चीज़ थी कि पोस्ट ऑफिस की अपनी एक क्वालिटी होती थी, फ्रॉड स्कैम इस तरीके से कभी नहीं होता था, बहुत ही रेयर केस में होता था। तो पोस्ट ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया कंट्री में आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू सारा काम कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 3500 ब्रांचेस पर यह क्या होने वाला है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप लेन देन कर सकते हैं, आप पेमेंट का ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं पोस्ट ऑफिस में सारी की सारी सर्विसेज आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मिलने वाली हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले भी बताया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री ही एक ऐसा कंट्री था पूरे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में आप लोगों को पता होगा ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वर्ल्ड का ये एक पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ था जिसने सबसे पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करके फ्लाइट के टिकट जनरेट करना स्टार्ट किया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था जो बिटकॉइन के थ्रू आप फ्लाइट का टिकट बुक कर पाए। लेकिन ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट था जहां पर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू फ्लाइट के टिकट ले सकते हैं, और आज भी वो चीज़ चल रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ये बात थी, मुझे याद है आज भी, और रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कोई भी न्यूज़ हो हमें भूलना नहीं चाहिए।
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और IBM कंपनी के साथ में बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, बहुत बड़ी फंडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दो तीन न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से आई थी। ऑस्ट्रेलिया कंट्री में बिटकॉइन के ATMs भी हैं, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस भी हैं, बिटकॉइन लेन देन भी होते हैं, एक्सचेंजेस भी होते हैं, माइनिंग भी होती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लीगल भी हैं। तो कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और इसके साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ही तेज़ी से सपोर्ट कर रहा है। और अब तो ये एक और न्यूज़ साथ में जुड़ गई है कि 3500 प्लस पोस्ट ऑफिस में आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लेन देन कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि हमें लगता है बहुत ही ज़्यादा खास न्यूज़ है। अमेरिका कंट्री को कौन नहीं जानता, बहुत ही आगे है हर एक चीज़ में, इंडिया कंट्री से भी बहुत ज़्यादा आगे है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे और टेक्नोलॉजी के मामले में हो, या फिर और किसी अदर प्लेटफॉर्म के बारे में। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 17,000 बिटकॉइन के मशीन्स खरीदने वाले हैं जो कि माइनिंग करेंगे। आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो, चाहे अमेरिका कंट्री हो, चाहे वो जापान कंट्री हो, चाहे वो जर्मनी हो, जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू 100% सपोर्ट कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन फुल कर रहे हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी बहुत सारी अनाउंसमेंट किया है, लेकिन जो खुशखबरी है वो अमेरिका की एक कंपनी 17,000 से ज़्यादा बिटकॉइन की मशीन्स खरीदने वाली है। बिटकॉइन की कोई मशीन नहीं होती है, जो माइनिंग करने वाली होती है, माइनिंग मशीन्स खरीदने वाली है और बिटमेन कंपनी है। आप लोगों को पता हो बिटमेन एक ऐसी कंपनी है जो बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, रिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको वो बनाती है और बहुत ही ब्रांडेड होती है। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि 17,000 बिटकॉइन की जो माइनिंग मशीन है उसको खरीदेगी, और कहाँ की जो कंपनी है, अमेरिका कंट्री की। आप खुद सोचिए, अमेरिका कंट्री की है, 17,000 से ज़्यादा बिटकॉइन की मशीन्स खरीदने वाले हैं वो, जो कि माइनिंग करेंगी, और वो भी अमेरिका कंट्री के, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अभी कुछ पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, अमेरिका कंट्री में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो चुका है, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 600 से ज़्यादा बिटकॉइन के ATM सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कंट्री में ही लगे हुए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में 800 से ज़्यादा हैं बिटकॉइन के ATM, लेकिन 600 से ज़्यादा अमेरिका कंट्री में हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आज भूली भटकी न्यूज़ निकल करके आई है, आप लोगों को ताजुब होगा, मुझे तो ये न्यूज़ सुन करके ताजुब हो रहा है, श्रीलंका कंट्री से न्यूज़ आई है। क्या आप लोगों ने आज तक कभी सुना है कि श्रीलंका कंट्री से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन किसी से रिलेटेड आज तक न्यूज़ आई हो? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं 4-5 साल से हूँ, हमने आज तक नहीं देखा है कि श्रीलंका कंट्री से कोई ऐसी न्यूज़ आई हो। लेकिन फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है कि श्रीलंका कंट्री की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, पूरी वर्ल्ड वाइड जो भी बड़ी कंट्रीज हैं, जो भी बड़े बैंक्स हैं, वो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर चुके हैं, लेकिन श्रीलंका एक ऐसा कंट्री था, शायद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, ना ब्लॉकचेन से रिलेटेड, ना क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। लेकिन जो न्यूज़ निकल करके आई है, श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने क्या किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट किया है, और किसके लिए, जो यूज़र्स होते हैं KYC करने के लिए, नो योर कस्टमर। KYC हर जगह होती है, हर एक बैंक में होती है, हर एक कंपनी में होती है, हर एक फॉर्म आप फिल करते हैं वहाँ पर KYC होती है, और आप लोग तो क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स हैं, तो ट्रेडिंग भी करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजों पर भी KYC होती है। तो जो KYC चेक करने का जो प्रोसेस होगा, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आखिर श्रीलंका ने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया। आज मैं तो बहुत खुश हूँ, कोई भी कंट्री हो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। रीज़न कि मैं इस चीज़ों से जुड़ा हूँ, बहुत ही इसका एडवांटेज मिल रहा है, इससे प्रॉफिट भी हो रहा है, ट्रेडिंग भी हो रही है, और कहीं ना कहीं अपने आप में एक नॉलेज गेन होता है। हर एक कंट्री के बारे में पता चलता है, कौन सी ऐसी कंट्री है, किस कंट्री में ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती है। आप लोगों को भी स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, हर एक न्यूज़ को आपको भी पढ़ना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलने हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रसिया कंट्री की। क्या आपको याद है रशियन गवर्नमेंट की या फिर रसिया कंट्री की कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आप लोगों को याद हो? मुझे तो याद है, मैं आपको बताता हूँ। रशियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, जब ऑस्ट्रेलिया कंट्री की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप फ्लाइट के टिकट बुक कर सकते हैं, उसी के बाद में रशियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेन के टिकट बाई कर सकते हैं, वो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। कितनी रोचक बात है। शायद ये 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं इस न्यूज़ को, लेकिन आज भी मुझे याद है। क्या आप लोगों को ये न्यूज़ याद थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज़ आई है, रसिया कंट्री से जो न्यूज़ आई है, अभी एक बहुत अच्छा यहाँ पर कोर्ट में केस चल रहा था। केस के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, रीज़न वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल बात यह है कि रसिया की कोर्ट ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप बिटकॉइन की चोरी कर लेते हैं गलती से हो या जो भी है, बिटकॉइन थेफ्ट नॉट ए क्राइम ड्यू टू लीगल स्टेटस। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की चोरी कर लेते हैं या फिर आपको बाई मिस्टेक कुछ भी हो जाता है, आप FIR करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो वो एक क्राइम नहीं माना जाएगा, जो कि कोर्ट का कहना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रीज़न ये है, क्राइम इसको इसलिए नहीं माना गया, ये न्यूज़ में जो निकल करके आया है वो मैं बता रहा हूँ, क्राइम सिर्फ इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि लीगल स्टेटस नहीं है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हर एक कंट्री में लीगल हो रही है लेकिन 100% नहीं है, हमेशा इसमें अपग्रेड होते रहते हैं जैसे जैसे केसेस निकल करके आते हैं। अगर ज़्यादा फ्रॉड स्कैम निकल आया तो उस पर और रूल रेगुलेशंस लगाते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लगभग लीगल है, लेकिन लीगल होने के बावजूद कुछ फ्रॉड स्कैम होते हैं, उसके बाद में जो बिल पास होता है उसके ऊपर और रूल लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर रशियन जो कोर्ट है उसने कहा कि बिटकॉइन थेफ्ट कोई क्राइम नहीं है, और सिर्फ ये इसकी वजह ये है कि लीगल स्टेटस, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही होगी, इसकी वजह से यहाँ पर कोर्ट ने ये अनाउंसमेंट किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि सभी न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करते हैं, कुछ फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।